मेजर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन। गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल यानी गट, GIT, जिसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। द फंक्शनिंग ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन इज आइदर बाय हार्मोन और न्यूरल एक्शंस, दो तरह से होता है। तो उसमें मैं हार्मोनल कंपोनेंट को ले रहा हूं। आज का यही टॉपिक है, मेजर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन एंड हाउ एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस आफ्टर डाइजेशन। तो पहले हम एक्सप्लेन करेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन के फंक्शन को, सोर्स को और टारगेट सेल को। उसके बाद फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कि डाइजेशन फूड जब हो जा डाइजेशन ऑफ फूड हो जाता है तो वो कहाँ कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला हार्मोन है गैस्ट्रीन। ये गैस्ट्रीन पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक और ड्यूडेनम में जी सेल्स होता है। यही जी सेल जो है गैस्ट्रीन हार्मोन को सेक्रीट करता है। यानी ये जो आपका स्टमक है, ये स्टमक और ये ड्यूडेनम, तो ये पाइलोरिक पार्ट है, इसके वॉल में भी जी सेल होता है। और ये ड्यूडेनम है, इसके वॉल में भी जी सेल होता है। ये जी सेल गैस्ट्रीन हार्मोन को सेक्रीट करता है। अब ये सेक्रीशन यानी कैसे ये सेल जो गैस्ट्रीन को प्रोड्यूस करेगा या रिलीज करेगा, ये वेगस नर्व यानी 10th क्रेनियल नर्व जो है उसको वेगस नर्व कहते हैं, इसकी एक्टिविटी से या और प्रोटीन या पेप्टाइड्स अगर फूड में है, वो प्रोटीन और पेप्टाइड जो है जो फूड में प्रेजेंट है उसकी वजह से इसका स्टिमुलेशन होता है यानी सेक्रेशन होता है। अब ये हार्मोन किस सेल पर एक्शन करता है और क्या एक्शन करता है? गैस्ट्रिक मोटिलिटी। गैस्ट्रिक मोटिलिटी मींस पेट के अंदर जो फाइलन सुकरन होता है, जिसकी वजह से फूड का चर्निंग होता है, फूड का मैस्टिकेशन होता है, उसी को गैस्ट्रिक मोटिलिटी कहते हैं। दूसरा, ये सेक्रेशन ऑफ SCL, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस में SCL वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो SCL का सेक्रेशन करता है। दूसरा, ये एक्शन किस पर करता है? सेक्रेटरी सेल्स एंड मसल सेल्स ऑफ स्टमक, क्योंकि मसल सेल्स ऑफ स्टमक पर करेगा तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी कंट्रोल करेगा, सेक्रेटरी सेल्स करेगा तो SCL करेगा। ये था गैस्ट्रीन का काम। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन इज CCK। दूसरा जो है CCK, कॉलीसिस्टोकाइनिन। ये आई सेल्स और CCK सेल्स ऑफ ड्यूडेनम में जो प्रोड्यूस करता है। ड्यूडेनम में एक सेल होता है आई सेल्स या CCK सेल्स, इसी का है, तो ये इसको प्रोड्यूस करता है। जब फूड ड्यूडेनम में आता है और वो ड्यूडेनम में फूड जो है उसके अंदर फैटी कंपोनेंट होता है और एमिनो एसिड्स होता है, तो प्रेजेंस ऑफ दिस फैटी एसिड्स एंड एमिनो एसिड्स इन द फूड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ आई सेल्स और CCK सेल्स टू रिलीज CCK, कॉलीसिस्टोकाइनिन। अब ये एक्शन किस पर करता है? गॉल ब्लैडर पे। गॉल ब्लैडर का क्या काम है? स्टोरेज ऑफ बाइल जूस। अब जब गॉल ब्लैडर पर काम करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन करेगा गॉल ब्लैडर, और उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बाइल जूस रिलीज होगा। एंड थर्ड इज सेक्रेटिन। तो सोर्स S सेल्स ऑफ ड्यूडेनम, यानी ड्यूडेनम में बहुत तरह के सेल्स होते हैं, S सेल्स ऑफ ड्यूडेनम ये सेक्रीट करता है। और अगर फूड में इसका स्ट्रॉन्ग एसिड पाया जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड इसके स्टिमुलेशन का कॉज बनता है, और ये स्टमक एंड इंटेस्टाइन के में जो फूड है और उसमें फूड में अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है
वो स्ट्रॉन्ग एसिड इसको स्टिमुलेट करता है, किसको, एस सेल्स को, जिस एस सेल वो जो के आपका सेक्रेटिन प्रोड्यूस करता है। अब सेक्रेटिन कहां काम करेगा, टारगेट क्या है उसका, क्या एक्शन है, सेक्रेशन ऑफ H2O एंड बाइकार्बोनेट फ्रॉम पैंक्रियाज, यानी पैंक्रियाटिक जूस में वाटर की क्वांटिटी और बाइकार्बोनेट सॉल्ट की क्वांटिटी को ये कंट्रोल करता है कि क्वांटिटी उसका कितना होना चाहिए, कितना हुआ। नेक्स्ट, इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक मोटिलिटी, यानी पेट का जो मूवमेंट है ये इसको रोकता है। स्टिमुलेशन ऑफ लीवर फॉर बाइल जूस, यानी लीवर को स्टिमुलेट करता है ताकि ये बाइल जूस दे। द नेक्स्ट वन इज GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, GIP, GIP, सोर्स ड्यूडेनम है। स्टिमुलेशन इफ मोनोसेक्राइड एंड फैटी एसिड्स आर प्रेजेंट इन द फूड देन इन द ड्यूडेनम देन दिस GIP इज सेक्रेटेड देन दिस GIP इज सेक्रेटेड। अब टारगेट सेल क्या है इसका, गैस्ट्रिक म्यूकोशा और मसल्स, इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सेक्रेशन, इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक मोटिलिटी, स्लोइंग फूड पैसेज, ये चार काम है इसका। काम किस पर करता है, गैस्ट्रिक म्यूकोशा पे, मसल्स पे। काम क्या है इसका, इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सेक्रेशन, इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक मोटिलिटी, स्लोइंग फूड पैसेज। एंड द नेक्स्ट वन इज ड्यूक्रिनीन, ड्यूक्रिनीन सोर्स है ड्यूडेनम, कहां मिलता है ये ड्यूडेनम में। स्टिमुलेशन क्या है, फूड अगर एसिडिक होगा, एसिडिक फूड की वजह से ये सेक्रीट होता है। ब्रूनर्स ग्लैंड, ये ग्लैंड है जो कि ड्यूडेनम में पाया जाता है, टू सेक्रीट अल्कलाइन म्यूकस। काम इसका क्या है, इस ब्रूनर ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है जो कि अल्कलाइन म्यूकस सेक्रीट करता है। एंड द नेक्स्ट वन इज एंटेरोक्रिनीन, ड्यूडेनम इसका सोर्स है, यानी ड्यूडेनम में निकलता है। स्टिमुलेशन कैसे होता है, पाइनिथ सेल्स फॉर सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ एंजाइम्स ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइन में पाइनिथ सेल होता है जो कि इंटेस्टाइनल जूस में सेक्रेट करता है, तो उसमें एंजाइमेटिक पार्ट एंजाइम्स जो है उसको ये कंट्रोल करता है। वन इज विलिकिनीन, विलिकिनीन ये ड्यूडेनम में होता है, स्टिमुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ विलाई, यानी ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इसी के मोटिलिटी को, इसी के इसको ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट वन इज VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है ये, वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, ये ड्यूडेनम में होता है और ये क्या करता है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इनहिबिट करता है, ये एक इनहिबिटरी पेप्टाइड है। ठीक, द नेक्स्ट वन इज एंटेरोगेस्टेरॉन, ड्यूडेनम इसका सोर्स है, और इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रीशन, यानी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है जैसे आपका सेल्स है वो है, तो ये सारे हार्मोन है, इसका सोर्स, इसका फंक्शन और इसका टारगेट सेल्स, इसका स्टिमुलेशन कैसे होता है, इसको मैंने बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश किया है। आपसे यह है कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अब जब फूड डाइजेस्ट हो गया तो उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, तो पहले हम एब्जॉर्प्शन को डिफाइन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ पासिंग डाइजेस्टिव एंड प्रोडक्ट्स थ्रू दिस इंटेस्टाइनल म्यूकोशा इनटू ब्लड एंड लिम्फ, इसी को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जैसे ये विलाई है, इसके ऊपर ये ब्लड कैपिलरीज है, अब ये डाइजेस्टेड फूड इस ब्लड कैपिलरीज में एंटर कर गया, या ये लिम्फेटिक वेसल्स है इसमें एंटर कर गया, इसी को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन तीन प्रोसेस से होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिया, पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिया, फैसिलेटेड ट्रांसपोर्ट के जरिया, यानी एनर्जी कंज्यूमिंग, नॉट कंज्यूमिंग एंड बाय सम कैरियर मॉलिक्यूल्स। अब हम
वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे कि बक्कल कैविटी में क्या होता है, स्टमक में क्या होता है, इंटेस्टाइन में क्या होता है इसके। तो बक्कल कैविटी नो एब्जॉर्प्शन एक्सेप्ट अल्कोहल एंड सम मेडिसिंस, यानी माउथ में फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, सिर्फ अल्कोहल या कुछ मेडिसिंस है। स्टमक, स्टमक में वाटर, अल्कोहल, कुछ साल्ट्स, ग्लूकोज एंड फ्यू ड्रग्स लाइक एस्पिरिन, ये सब स्टमक में एब्जॉर्ब होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन इन केस ऑफ ड्यूडेनम आयरन एंड कैल्शियम आयन इज एब्जॉर्ब, इन केस ऑफ इलियम विटामिन B12, बाइल साल्ट्स, इन जेजुनम मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, विलस यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्शन, विलस यानी विलाई, विलाई इज द प्लुरल एंड विलस इज द सिंगुलर, इसे क्या है ये यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज काइलोमाइक्रोन, काइलोमाइक्रोन क्या है, इसको मैं एक रे डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश किया है जिसमें राइटिंग पार्ट कम होगा, समझने में आसानी होगी। दिस इज द व्हाइट कलर, दिस इज इन व्हाइट कलर। ट्राइग्लिसराइड, जिसको शॉर्ट में मैंने TG लिखा है, दिस ट्राइग्लिसराइड इज ब्रोकन डाउन इनटू मोनोग्लिसराइड, जिसको मैंने यहां पर MG लिखा है, और टू मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड्स, तो टू मॉलिक्यूल प्लस वन मॉलिक्यूल इजिकल टू थ्री मॉलिक्यूल, थ्री मीन्स ट्राई आ गया, ठीक है। तो ये ट्राइग्लिसराइड पेंक्रियाटिक लाइपेस के जरिया मोनोग्लिसराइड और टू मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड में टूट जाता है। ये मोनोग्लिसराइड प्लस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड बाइल सॉल्ट के जरिया एक कंपाउंड बनाता है, एक रिजल्टेंट कंपाउंड बनाता है, जिसको कहते हैं मिक्स्ड माइसेल या मिसेल। ये वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है, ये क्या है, वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है। दिस मिक्स्ड माइसेल एंटर्स इनटू एंटेरोसाइट्स, ये सेल है एक जहां पर ये एंटर करता है, इन एंटेरोसाइट के अंदर ये मोनोसेक्राइड प्लस टू मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड्स फिर कंबाइन होकर के ट्राइग्लिसराइड बनाता है, जिसको मैंने यहां पर शॉर्ट में TG लिखा है। ट्राइग्लिसराइड बनाता है, ये ट्राइग्लिसराइड कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन से मिलकर के एक रिजल्टेंट कंपाउंड बनाता है, जिसको के हम काइलोमाइक्रोन कहते हैं। इसको मैंने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश नहीं किया, इसके एरो डायग्राम से बड़ी आसानी से समझ में आएगा। एंड दिस काइलोमाइक्रोन विच इज अबाउट 150 माइक्रोमीटर इन साइज, एंड दिस काइलोमाइक्रोन एंटर्स इनटू लैक्टियल्स, यानी ट्राइग्लिसराइड या फैटी एसिड जो है डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता है, बल्कि ये पहले काइलोमाइक्रोन में चेंज होकर के तब ये लैक्टियल्स में जाता है। लैक्टियल्स क्या है, एक ब्लड कैपिलरीज नेटवर्क है इन द विलाई, और तब वहां से ये ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट स्टेप इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन किसे कहते हैं, जो भी फूड एब्जॉर्ब हुआ उसका यूटिलाइजेशन बाय द टिश्यूज, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस बाय द टिश्यू, इसी को एसिमिलेशन कहते हैं। अब एसिमिलेशन के बाद वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, दैट वेस्ट प्रोडक्ट मस्ट बी आउट फ्रॉम द बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इगेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इगेशन एंड इट इज द लास्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, द एलिमिनेशन ऑफ फीसेस फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल, इसका दूसरा नाम डेफिकेशन भी है। तो अब इसको हम फिर एक एरो डायग्राम में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके हर स्टेप पर क्वेश्चन बन रहा है। डाइजेस्टिव वेस्ट सॉलिडिफाइड इन रेक्टम, जब ये डाइजेस्टिव वेस्ट सॉलिडिफाइड हो जाता है तो ये एक न्यूरल रिफ्लेक्स जेनरेट करता है, जो कि हमको अर्ज करता है, जो कि हमको डिजायर पैदा करता है कि हम टॉयलेट करने जाएं, दैट इज अर्ज और डिजायर टू रिमूव मींस टॉयलेट, टू रिमूव लैट्रिन, एंड दिस इज अ वॉलंटरी प्रोसेस,
एंड द मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू पुश फॉरवर्ड द फूड द वेस्ट मटेरियल और यू मे से फीसेस. अबाउट 1500 ml काइम पर डे फ्रॉम सिंपल फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन इज ट्रांसफर्ड. 1500 ml काइम एक दिन में स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर होता है. एंड दिस कोलोन एब्जॉर्ब्स मोस्ट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम दिस वेस्ट एंड दिस इज द एनस एंड हेयर देर आर टू स्फिंक्टर मसल्स द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर मसल्स इंटरनल एनल स्फिंक्टर मसल्स एनल स्फिंक्टर मसल्स. ये पर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है. दिस इंटरनल एनल स्फिंक्टर मसल इज इनवॉलेंट्री कंट्रोल अंडर इनवॉलेंट्री मीन्स नॉट इन आवर कंट्रोल बट द एक्सटर्नल इज वॉलेंट्री कंट्रोल. इन्फेंट्स डेफिकेशन टेक्स प्लेस बाय रिफ्लेक्स एक्शन एंड विदाउट वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर. बच्चों का जो होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन के जरिए होता है और विदाउट इसके होता है. कलर ऑफ फीसेस यानी पखाना का जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? स्टर्कोबिलीन. किसकी वजह से होता है? स्टर्कोबिलीन. ये एक डिग्रेडेड कंपाउंड ऑफ लीवर पिगमेंट है, बाइल पिगमेंट है. अ फाउल स्मेल पखाना का जो गंदा महक होता है वो किसकी वजह से होता है? इंडोल की वजह से, स्केटोल की वजह से और हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से. ये तीन कंपाउंड है. बिसाइड्स मोर बिसाइड दिस कंपाउंड देयर सम मोर कंपाउंड्स आल्सो. दिस गिव्स फाउल स्मेल टू पखाना एंड इट दीज थ्री गैस कंपाउंड्स आर फॉर्म ड्यू टू बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ एमिनो एसिड्स इन कोलोन. यानी जिसका पखाना बहुत महकता है या जिसका हवा बहुत महकता है वो क्यों महकता है? इसलिए कि उसका बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ एमिनो एसिड का बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होता है कोलोन में. मैं बहुत ही सिंपल वे में ये पूरे प्रोसेस को समझाने की कोशिश किया है कि फर्स्ट हार्मोनल कंट्रोल एंड सेकंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड थर्ड एसिमिलेशन एंड फोर्थ इगेशन. मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा. पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.